नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। आइए आपको लिए चलते हैं सीधे 40 RD के नजदीक जायस एग्रो प्राइवेट लिमिटेड मिल उसना चावल का उद्घाटन। आज पनवनकी को मिला चावल का अस्थाई समाधान। अब समाचार विस्तार से। बनमनखी बस स्टैंड और जानकी नगर बस स्टैंड के बीच 40 RD नहर के समीप ये राइस मिल आदरणीय सुबोध साजी के द्वारा लगभग 11 करोड़ के लागत से बने जायस एग्रो प्राइवेट लिमिटेड मिल उसना चावल का उद्घाटन किया गया। उसना चावल मिल का उद्घाटन बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद और बनमनखी के स्थानीय विधायक कृष्ण कुमार ऋषि जी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया उद्घाटन। इस अवसर पर पूर्णिया के उप महापौर श्रीमती पल्लवती गुप्ता, धरड़ा पंचायत की मुखिया आशा देवी, जाने माने समाजसेवी अवधेश शाह, बनमनखी प्रमुख कामेश्वर टुड्डू, जानकी नगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद रमेश पासवान, इस राइस मिल के प्रोप्राइटर सुबोध शाह, पिपरा मुखिया मनोज कुमार ऋषि, महेंद्र गुप्ता, ब्रिज नारायण गुप्ता, मंटू दास जी, सुरेंद्र कुमार सुमन, संतोष चौरसिया, रामपुर तिलक के मुखिया बोलबम, धाड़ा चकला बुनाई के मुखिया अरुणा देवी, राजद किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष अनिल यादव, लादूगर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि ओम जी, समिति डब्बू जी और भी कई प्रतिनिधिगण, सभी पंचायत के मुखिया, सरपंच, समिति सदस्य सहित सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित थे। उम्मीद है कि यह स्टार्टअप अन्य कारोबारियों के लिए प्रेरणा सा होगा और पैक्स अध्यक्षों को अपने द्वारा खरीदे गए धान को अब कहीं और नहीं भेजना पड़ेगा। एक बार फिर से हमारे ऐतिहासिक स्थान बनमनखी को आदरणीय सुबोध शाह जी एवं इनके शहजादे राजा जी नौजवानों के लिए सीख और प्रेरणा बने हैं। यूं तो बनमनखी में पहले ही 2 उद्योग नेस्त नाबूद हो चुकी है, लेकिन अब यह शुरुआत लोगों के मन में नई उम्मीद का किरण जगाकर दम लेगी। आप देख रहे हैं आवाज आपका 24 और आपके साथ है MS परदेसी। आइए सुनते हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित पूर्णिया नगर निगम की सम्माननीय उप महापौर बहन पल्लवी गुप्ता जी, हमारे बीच उपस्थित धारारा पंचायत, जहां या एक मांगलिक या कहें तो नई शुरुआत हो रही है, उसके सम्माननीय मुखिया बहन आशा देवी जी, इस क्षेत्र के सम्माननीय सरपंच श्री अरुण कुमार यादव जी, हमारे बीच उपस्थित नगर पंचायत जानकी नगर के सम्माननीय अध्यक्ष श्री रमेश पासवान जी, हमारे बीच उपस्थित धारारा की धरती महर्षि मेही की धरती और उसकी सेवा में और उन्होंने जो बातें कही थी वो आप तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं सम्माननीय श्री लाल बाबा और 2 ऐसी शख्सियत हमारे मंच पर हैं, श्री सुबोध शाह जी जो श्री रविराज जी के पूज्य पिताजी हैं और जिनकी प्रेरणा और जिनके आशीर्वाद से श्री रविराज जी ने एक उद्यमी के रूप में इस चावल मिल की शुरुआत की है। जब यह निमंत्रण देने आए थे तुम्हारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि और जो कुछ बातें इनसे जो साझा हमने किया लगा कि इनमें एक उत्साह है, ऐसे उत्साही पिता के हमारे कर्मयोगी के रूप में उपस्थित श्री सुबोध शाह जी वैश्य महासम्मेलन के प्रमंडलीय इस क्षेत्र के प्रमुख और हमारे अन्य सहयोगी श्री अनिल कुमार शाह जी और इस मिल को संचालित जिन्हें करना है और जिनमें एक उत्साह है, उद्यमी का उत्साह है, ऐसे श्री रविराज जी, हमारे उद्घोषक जी, अग्रणी पंक्ति में बैठे तमाम सभी इस क्षेत्र के वरिष्ठ और सम्माननीय हमारे अभिभावकगण, महेंद्र गुप्ता जी भी उपस्थित हैं, उनसे मुलाकात हुई थी, काफी उत्साही हैं।
मीडिया के मित्रों और सज्जनों, वास्तव में आज आकर हमें काफी प्रसन्नता हुई क्योंकि हम सब, हमारी सरकार है, हम सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में भी सेवा करने का आपने अवसर दिया था। तो हम लोगों ने उद्यमी योजना और इस प्रकार के कई योजनाओं को बिहार में यह आम उद्यमियों तक पहुंचे इसके लिए रूपरेखा हम सबों ने तैयार की थी। हमारे श्री शाहनवाज हुसैन जी उद्योग मंत्री थे मेरे साथ और हम सबों ने काफी प्रयास किया कि बिहार में एक वातावरण उद्योग का बने। कई परिस्थितियां हैं जिसका विस्तार से इस उद्घाटन सत्र में चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पीछे के सारी चीजों को भूलकर हम नए उत्साह से बिहार में कैसे उद्यम खड़ा करें, यह हम लोगों के लिए एक चुनौती है, एक यक्ष प्रश्न है। मैं रविराज जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस चुनौती को स्वीकार किया है और वास्तव में हमारे नेता श्री कृष्ण कुमार सुदीप जी ने कहा किसान धान उपजाते हैं, पैक्स उसे खरीदता है और पैक्स की ओर से भी इन्हें मिलिंग करने के लिए धान की आपूर्ति की जाएगी और आप सीधे भी मिल में अपने धान को चावल के रूप में तैयार करवा सकते हैं। तो ये एक वास्तव में हर चीज बहुत आसान सा हो गया है। अब जरूरत इस बात की है कि आप ज्यादा से ज्यादा धान की उपज करें जिससे कि वो चावल के रूप में पूरे देश में यह चावल जाए, जिस तरह से मखाना को उपजाकर पूरे देश में आप भेजते हैं, केला को उपजाकर पूरे देश में भेजते हैं, मक्का को उपजाकर पूरे देश में भेजते हैं। यह जो पूर्वोत्तर बिहार का क्षेत्र है, यह क्षेत्र पूरे देश को पोषित कर रहा है। विदेशों में भी आपके जो कृषि उत्पादन है वो जा रहे हैं, यह हम लोगों के लिए खुशी की बात है। लेकिन हम उसके बावजूद भी ये देख रहे हैं कि हमारे जो मजदूर हैं, हमारे जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र के, वो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। इन चीजों को हम कैसे कम करें? वो कम हो सकता है अगर रविराज जी ऐसे उद्यमी आगे आए तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि हर चीजें आसान हो जाएगी। अरविंद जी यहाँ बैठे हैं, इन्हें भी आगे बढ़कर इन चीजों को देखना चाहिए। पल्लवी जी लगता है कि इन्हें प्रेरित नहीं कर रही है, इसलिए अरविंद जी इस क्षेत्र में व्यापार के दूसरे क्षेत्र में, मैं आज के इस अवसर पर अपनी शुभकामना देता हूं कि रविराज जी और उनका पूरा परिवार तरक्की करें, उनके जीवन में मंगल हो, आप आगे बढ़ें। सरकार हमारी है, एनडीए की सरकार है, विधायक आपके हैं, तारकिशोर प्रसाद आपका है, आप आगे बढ़ें और किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई सरकारी स्तर पर या गैर सरकारी स्तर पर आप महसूस करें तो आप निश्चित तौर पर अपने नेता को, अपने भाई को बताएं, मुझे भी जानकारी हो जाएगी। आप कोई बात कृष्ण कुमार जी को कहते हैं तो ये मुझे उसके हिस्सेदार भी बनाते रहे हैं, इसीलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े। हमारा जो यह पूर्णिया प्रमंडल है जिसको सीमांचल भी आप लोग कहते हैं, मैं सीमांचल नहीं कहता हूं, यह जो पूर्णिया प्रमंडल का क्षेत्र है, जो तीन जिले हैं, चार जिले हैं, तो ये चारों जिला कहीं कहीं पूरे देश को पोषित कर रहा है और धीरे धीरे हम ऐसा अन्न का हब बनाए या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होता है उसका ऐसा हब बनाए कि हमारा जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसको हम इम्पावर करें, कैसे हम उसको गति दें, कैसे हम ग्रो करें, इन सारी चीजों को देखना चाहिए। आज गंभीरता से हम सब इस पर विचार करना चाहिए
क्योंकि आने वाली पीढ़ी सरकारी नौकरी पर निर्भर नहीं हो, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी आज की पीढ़ी भी नौकरी का अवसर प्रदान करे, न कि हम नौकरी के लिए यत्र तत्र ढूंढे। ये हमारा सबसे असली पुरुषार्थ होगा, ये पूर्णिया प्रमंडल का पुरुषार्थ होगा। और आप सबों का आशीर्वाद कहीं कहीं इन चीजों को एक परिणति के रूप में ले जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए कि इतने अभिभावक आज इन्हें रविराज जी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, इस बात को बताता है कि आपका समाज जीवन में कहीं कहीं गहरा प्रभाव है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आने का अवसर दिया, इसके लिए हम सुबोध और को विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं। आपने मुझे पुत्रवर समझकर इस अवसर पर आने का जो अवसर दिया है, उसके लिए आपके प्रति हम अपनी विनम्रता को निवेदित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।